एक्टर और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और उनके मामा गोविंदा की आपसी लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। कई सालों से दोनों के बीच बातचीत भी बंद है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में गोविंदा की बीवी सुनीता आहूजा ने बताया कि कश्मीरा और कृष्णा के साथ उनका जनता नहीं है। वहीं इस बीच कृष्णा का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मामा गोविंदा संग अपनी लड़ाई का जिम्मेदार मामी सुनीता को बताया था। कृष्णा ने कहा था, हमारी मामी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मामा को मेरा खून है, उन्हें काटो या मुझे काटो तो खून तो आधा हमारा एक ही है, लेकिन जो हमारी मामी हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। महाभारत भी ऐसे ही शुरू हुई थी, तो ये सब तो चलता रहता है। वहीं जब कृष्णा से पूछा गया कि क्या कभी उन्होंने मनमुटाव दूर करने की कोशिश की, तो जवाब देते हुए उनकी बीवी कश्मीरा शाह ने कहा, बातें उन्हीं के साथ की जाती हैं जो समझदार होते हैं। मैं टॉपिक खत्म करना चाहूंगी। मेरे लिए कृष्णा के मामा तो बहुत बड़े हैं। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। हम उनके लेवल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मेरे लिए ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। हम मामी को नहीं जानते। बता दे, टाइम आउट विद अंकिता पॉडकास्ट में सुनीता आहूजा से पूछा गया कि क्या वो कपिल शर्मा शो में अर्चना पूरन सिंह को रिप्लेस करेंगी, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, कश्मीरा और कृष्णा के साथ मेरा जमता नहीं है, मैं कपिल का शो करती अगर कृष्णा और कश्मीरा वहाँ नहीं होते। कृष्णा कपिल के साथ हैं, वरना मैं तो ये शो करना बहुत पसंद करती। सुनीता आहूजा ने बताया कि उनकी जिंदगी का एक उसूल है, अगर कोई बदतमीजी करता है तो वो सारे रिश्ते तोड़ देती हैं। उस शख्स के साथ मामला नहीं सुलझाती। अगर खुद की गलती होगी तो कभी सॉरी बोलने से नहीं हिचकिचाएंगी, वरना तो वो सामने वाले की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। उन्होंने बताया कि पिछले 15 सालों से अपनी बहनों को नहीं देखा। वो कहती हैं, एक बार नफरत हो गई तो मेरे लिए रिश्ता खत्म है। गौरतलब है कि ये विवाद साल 2018 से चल रहा है और कश्मीरा के एक ट्वीट से लड़ाई शुरू हुई। साल 2018 में कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह ने ट्वीट किया था कि कुछ लोग पैसों के लिए नाचते हैं। इस ट्वीट पर सुनीता आहूजा ने कहा कि ये ट्वीट गोविंदा के खिलाफ किया गया है। इसके बाद गोविंदा और सुनीता ने कृष्णा और कश्मीरा से सभी संबंध खत्म कर लिए। गोविंदा और कृष्णा ने कई मौके पर चीजें ठीक करने की कोशिश भी की, लेकिन सुधरने की बजाय चीजें बिगड़ती गयी। और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।